आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जूडियो इतना सस्ता क्यों है, क्यों बड़े से बड़े लोग जूडियो में विश्वास रखते हैं। आइए जानते हैं। जूडियो बहुत ही कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, फिर भी आज के समय में इसकी इतनी डिमांड है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अपने कपड़े बेचकर इतना मुनाफा कमा रहा है। आज के समय में जहां महंगाई इतनी बढ़ गई है, वहां जूडियो बहुत ही कम कीमत में बिजनेस कर रहा है और उसके बाद भी प्रॉफिट कमा रहा है। अगर आपको अपना कोई बिजनेस ग्रो करना है तो आप भी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी के बारे में सोच सकते हैं। दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक तो जितने मन चाहे उतने दाम में अपने प्रोडक्ट को बेचो, जितने मन चाहे उतने लूटो, भले ही वैल्यू ऑफ मनी कम हो लेकिन ब्रांड की कीमत ज्यादा हो। इससे क्या होता है, अनाप शनाप पैसा आता है। और दूसरा जो मेथड पर बिजनेस होता है उसमें टारगेट रहता है, सस्ता से सस्ता बेचो, ज्यादा बेचो, ग्राहकों की जरूरत को पूरा करो, उनकी जरूरत के बदले में जो फीस मिले उसे अपना मुनाफा कमाओ। यानी बिजनेस दो तरह की स्ट्रेटेजी पर काम होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो स्ट्रेटेजी पर बिजनेस होता है। एक स्ट्रेटेजी की मदद से बाजार में प्रोडक्टिव डिमांड को बनाया जाता है। माल सिर्फ 800 का रहता है लेकिन उस पर 1200 का MRP लगाकर उसे बेचा जाता है, मतलब समझिए सीधा 400 की छूट। और वहीं दूसरा तरीका ये होता है कि किसी तरह का कोई ऑफर ना दो, कोई डिस्काउंट ना दो, बस माल अच्छा बेचो, क्वालिटी अच्छा रखो। दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जिससे टक्कर में कोई नहीं, जिसके लेवल पर कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं टाटा की। टाटा ग्रुप जो भारतीय मल्टीनेशनल बिजनेस ग्रुप है, ऐसी कंपनी जो भारत का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है, इसके प्रोडक्ट्स और जो इनके सर्विसेज हैं, वो 150 से ज्यादा देशों में फैले हैं। इतना ही नहीं, 6 महाद्वीपों में 100 देशों को चलाता है ये कंपनी। और आज के समय में टाटा ग्रुप के जूडियो ने हर जगह ड्रीम लाइट बन गया है। उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को समझा है, उस पर काम किया है। उन्होंने अपना बाद में पहले ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखा और उससे मुनाफा कमाया। देखने जाए तो कंपनी ने मुनाफा ना के बराबर कमाया है, लेकिन ये लोग जो स्किल पर काम करते हैं उससे प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्या आपको पता है, साल 2016-17 के समय में 400 करोड़, जी हाँ 400 करोड़ जैसी बड़ी रिवेन्यू रखती थी ये कंपनी। और आज के समय में सालाना केवल 3000 करोड़ की कमाई होती है। इतनी हाई रनिंग स्टेज में है जूडियो। 7 साल के अंदर पूरे भारत में इसके करीब 500 स्टोर खुल चुके हैं। इसके मुकाबले अभी कोई और दूसरी कंपनी नहीं है। ये भारत में सबसे पहले लेवल पर है। हालांकि स्टोर तो बहुत खुले और अब भी खुलते आ रहे हैं, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी से जूडियो की बिजनेस होती है वैसी कोई और दूसरी कंपनी नहीं, और ये टाटा का ही देन है। मुझे पता है आपके भी मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे टाटा ने लोगों की जरूरतों पर काम किया। दरअसल आज की जरूरत क्या है, महंगाई से बचना, जिसे टाटा की जूडियो ने किया है। यहाँ कपड़े बहुत ही सस्ते, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ये लोग वैल्यू ऑफ मनी पर काम करते हैं। ये लोग हूबहू बाजार जैसी ही ब्रांडेड कपड़े बेचते हैं, लेकिन बहुत ही कम कीमत में। चलिए बताते हैं अब आपको जूडियो ने ऑपरेट कैसे किया। जूडियो ने बाजार में गैप को खोजा। जैसे हम देखते हैं आजकल बाजार में फटे हुए जीन्स का एक अलग ही फैशन चला है, जिसे फास्ट फैशन कहा जाता है। लोग इसे पहनना तो चाहते थे लेकिन ये बहुत ही महंगे होते हैं, जिसे अधिकतर लोग एफोर्ड नहीं कर पाते। एक समय में जूडियो के कंपटीटर थे आदित्य बिरला ग्रुप, जिसके बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे एलन सोली हो गया। आज भी जूडियो आदित्य बिरला ग्रुप का कंपटीटर है। टाटा ने सोचा क्यों बाजार से खरीद के कम प्राइस में बेचा जाए। हालांकि शुरू में इससे मुनाफा तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बाद में इसके रेवेन्यू बढ़ेंगे, ग्राहकों की भीड़ लगेगी। और ऐसा ही हुआ। आज ये स्टोर बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में खुल गई है। इतना ही नहीं, अब तो छोटे मोटे शहरों में भी खुल चुका है। ये लोग दूसरी कंपनी से कपड़ा बनवाते हैं, कम प्राइस पर सेल के लिए लगा देते हैं। जो शर्ट टी शर्ट बाजार में 800-900 से शुरू होते हैं, वो आपको जूडियो में सिर्फ 199 में मिल जाएंगे, और क्वालिटी भी सेम टू सेम। इससे जो मिडिल क्लास वाले या गरीब हो गए उन्हें बहुत राहत मिली।
यही कारण है कि जूडियो इन दिनों इतने डिमांड में क्यों है। अब जैसे कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन स्टोर को ऑपरेट तो कंपनी का ओनर ही कर सकता है। टाटा ने ट्रेंडिंग फैशन पर काम किया। छोटे छोटे शहरों में जहां कई लोगों ने नए आए फैशन के बारे में सुना तक नहीं था, वहां जूडियो खुलना शुरू हो गया। यही कारण है कि जूडियो आज के समय में इतना वास्ट क्यों हो गया है। कहते हैं बिजनेस करने के लिए आपको खुद से पहले ग्राहक के फायदे के बारे में सोचना चाहिए, तभी आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। ऐसा ही टाटा ने भी किया। उन्होंने ग्राहक की जरूरतों को देखते हुए काम किया। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जूडियो और भी सस्ता होने वाला है। तो क्या इससे पहले आपको पता था जूडियो इतना सस्ता होने के पीछे का कारण? कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।